शूज की शॉप पे हम खड़े हुए थे, इनकी बहन मुझे देख रही थी, तो मैंने कहा क्यों देख रही हैं? नहीं आप अम्मी से बात करवा दें। तो अम्मी से उन्होंने बात की कि हमारा भाई है छोटी हाइट के और ये कमाते हैं और यहाँ घर है, अगर आप देखना चाहती हैं तो आप देख लें। तो अम्मी ने कहा जी वैसे मैं रिश्ता देख रही हूँ अपनी बेटी का और चले मैं आपको बता दूंगी। तो अम्मी ने वही नंबर दे दिया उनको, फिर शॉप वाले ने कहा वाकई देखो जोड़े आसमानों में बनते हैं। तो फिर हम घर पे आ गए, तो घर पे आए फिर नेक्स्ट डे ये लोग आ गए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और 4 महीने मेरी शादी हो गई। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और मैंने अपने ससुर वालों का दिल किस बात से जीता है, कुकिंग से। उनको अच्छे अच्छे खाने पका पका के खिलाया और वो आज मेरे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सास ससुर पूरी फैमिली अच्छी, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, कोई ताने नहीं कसता, कोई बुरा भला नहीं बोलता, सब सपोर्टेड है माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी जिंदगी गुजर रही है, पहले बहुत कम निकलता था अब ज्यादा निकल गए। अब सब देख रहा हूँ मैं, दुनिया देख रहा हूँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं हमारा, बहुत हेल्प करते हैं हमारे साथ, बहुत ख्याल रखते हैं भाइयों को, जैसे जैसे छोटा भाई जैसे होते हैं। औलाद दुनिया में आई तो इतनी खुशी हुई कि हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले घर वाले नहीं सोच रहे थे कि शादी होगी, शादी हो गई और उनको ये भी नहीं था कि इनके औलाद होगी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। माशाल्लाह मेरा बेटा है, इसका नाम उमर इस्माइल है। जब कोई ताने कसता था, जब ज्यादा कमजोरी होती, जब पता चलता था वहाँ हम कच के छोटे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई है, जब ये ताने कस रहे हैं, हुटिंग करते हैं और ज्यादातर लोग हुटिंग करते करते घर कभी कभी तो घर तक छोड़ने आ जाते हैं हमें। ये सब कॉन्फिडेंस हमें अपने माँ बाप से मिला है, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल होती थी स्कूल जाने में, बच्चे छेड़ते थे मारते थे, लेकिन अम्मी ने हमें पढ़ाया, बोला नहीं बेटा पढ़ना है, दुनिया में आया तो जीना है, अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया है और आज इस मुकाम पे पहुंचे। जहाँ मैं काम करता हूँ मैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे, बहुत इज्जत भी देते हैं, बहुत ख्याल भी करते हैं। मैं दोस्तों में बैठता हूँ वो जैसे बोलते हैं वैसे ही सामने वालों को बोलना पड़ता है जवाब। अब तो चुप तो नहीं बैठ सकते ना, वो सवाल कर रहा है हम तेरे खामोशी से, फिर जो नहीं बोल सकते ना वो एक सुना रहा है, फिर हम दो सुनाएंगे, फिर इसमें बोलते आप जो बोल रहे हैं वो आप सिखाएं। शादी से पहले खामोशी से, अब शादी के बाद बहुत अच्छी जिंदगी लाइफ गुजर रही है, बहुत अच्छी है। जब तक सरोवर आ गई बहुत अच्छा और माहौल अच्छा हो गया, घर को भी लेके चलनी है, सब घर वालों को भी लेके चलनी है, भाइयों को बहनों को जो आने वाले भी हैं उनका भी बहुत ख्याल करती हैं, बहुत इज्जत भी है। हम में कोई कमी नहीं है, हम आम जिंदगी गुजारे, अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है, हाथ पांव आंखें सलामत। ये कभी कभी तो ये सवाल होते हैं कहीं जाओ ये बेटा भी आपकी तरह ही छोटे कद का, मजाक बहुत उड़ा है। तो मैं कहती हूँ कि ये ऐसे सवाल क्यों होते हैं हमारे लिए, और पीछे से आवाजें लगाते हैं लोग, देखो देखो बोली जा रहे हैं, देखो देखो बोली जा रही है। औलाद तो हमारी है ना, जैसी भी है, अल्लाह ने पैसे वाले हैं लेकिन किसी को औलाद नहीं है, अल्लाह ने हमें औलाद तो दिए ना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिंदगी में समझना ये होता है, एक दूसरे का माइंड और एक दूसरे का अखलाक, ये अगर समझ जाएंगे ना तो जिंदगी बहुत अच्छी है।